हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसन और दोस्तों मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। अगर आप लखनऊ में दोस्तों कहीं पर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रॉपर्टी की वीडियो लगातार अपलोड होती रहती है। दोस्तों आज हमें कल्याणपुर के एक बहुत ही बेहतरीन एरिया में आपको ये वाला मकान विजिट कराने के लिए, बहुत खूबसूरत मकान है दोस्तों, ये लग्जरी हाउस आप जो है इसको कह सकते हैं। लोकेशन इसकी बहुत प्राइम है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो है कॉर्नर का मकान है, ये कॉर्नर का मकान है। ये आपको इस साइड में जो है 22 फीट की रोड आपको ये मिल जाती है और याली जो रोड आपको मिल रही है मेन रोड, ये रोड है 25 फीट की पूरी ये रोड आपको मिलती है। लोकेशन दोस्तों बहुत अच्छी, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों साइड में जो है मकान बने हुए हैं, इस तरफ भी मकान बने हैं और जो है इस तरफ भी आप देख सकते हैं पूरे में जो है मकान बने हुए हैं दोनों साइड में। काफ़ी प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे जो है आपको कहीं पे प्लॉट जो है खाली नहीं दिख रहा होगा, पूरी डेवलप एरिया है, बिल्कुल घनी हुई आबादी है। मकान जो है काफ़ी खूबसूरत है, इसका एक बार जो है एलिवेशन आप देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत जो है आपको एलिवेशन नज़र आ रहा होगा। अब हम आते हैं इस मकान के अंदर। ये जो है इसका रैंप है, दो साइड में यहाँ पे रैंप दिया है, बीच में जो है यहाँ पे आपको जीनो मिल जाते हैं। जैसे ना आप इसके अंदर आएंगे इस साइड में मिलता है आपको इसका वाइड लॉन, यहाँ पर जो है आप बाइक खड़ी कर सकते हैं, दो बाइकें जो है आराम से खड़ी हो जाएंगी। यहीं पर जो है आपको वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ पर जो है वॉश बेसिन आपको मिल जाता है, एक कॉमन वॉशरूम जो है आपको ये मिल जाता है, एक वॉशरूम जो है आपको बाहर यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको कोई गेस्ट आता है तो ये वाला वॉशरूम जो है यूज कर लेगा। और मकान जो है बिल्कुल रेडी टू मूव है, कंप्लीट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे में टोटी लगी है, सीट लगी हुई है, ऊपर जो है शावर लगा है, यहाँ तक जो है पूरे में टाइल्स लगे हैं वेंटिलेशन के लिए, जो है यहाँ पे आपको एक विंडो भी मिल जाती है दोस्तों। ये इसका दरवाजा देखिए काफी खूबसूरत नजर आ रहा है, इसका बैलेंस भी देखिए काफी अच्छा है। इससे जब हम बाहर निकलते हैं इस साइड में जो है आपको मिल रहा है इसका पोर्च, ये आपको इसका पोर्च मिला जा रहा है, ठीक ठाक साइज जो है पोर्च का मिल रहा है, कोई भी मीडियम साइज की गाड़ी हो बहुत आराम से जो है यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। सबसे पहले हम आपको जो है इसका साइज बता देते हैं, 1120 स्क्वायर फीट में बना हुआ है दोस्तों, 26.5 जो है इसका फ्रंट है और 42 जो है आपको इसकी डेप्थ मिलती है दोस्तों। फ्रंट जो है इसका काफी चौड़ा है, इसीलिए जो मकान काफी खूबसूरत बना है। यहाँ पे जो है आपको इन्वर्टर रखने का जो स्पेस मिल जाता है, अगर आपको इन्वर्टर रखना है तो यहाँ पे रख सकते हैं, इन्वर्टर के लिए यहाँ पे स्विच और सॉकेट भी बना हुआ है। दो एंट्री आपको मिलती है, एक एंट्री जो है ये मिल जाती है, एक एंट्री जो है आपको ये मिल जाती है दोस्तों। दोनों एंट्री में दो दो डोर दिए गए हैं, एक मॉस्किटो नेट वाला लगा है, एक डोर जो है यहाँ पे आपको नॉर्मल मिल जाता है। इसकी छत देख लीजिए, काफी खूबसूरत जो है आपको छत दिखाई दे रही होगी, एलईडी लाइटें भी इसके ऊपर जो लगी हुई है, जीने जो है आपको बाहर से दिए गए ऊपर जाने के लिए। अब हम चलते हैं इस मकान के अंदर, अब हम आ जाते हैं दोस्तों इस मकान के अंदर। ये जो है इस मकान का ड्राइंग रूम है, आप देख सकते हैं इसको, इसका जो साइज आपको मिल रहा है 15x12 जो है आपको इस ड्राइंग रूम का साइज मिल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत जो है आपको ये देखने में लग रहा होगा। पूरे मकान में फॉल सीलिंग बनी हुई है, टीवी का कैबिनेट जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है, फर्श पे जो है 2x2 के इसमें जो व्हाइट कलर के टाइल्स लगे हुए हैं, फ्रंट में जो है यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाती है, ये विंडो आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत जो है। इस विंडो का साइज की बात करें 5x5 जो है आपको इसका साइज मिला जा रहा है। अगर आपको मान लीजिए विंडो एसी लगानी है तो इस यहाँ पे जो है आप विंडो एसी लगा सकते हो, उसका जो स्पेस यहाँ पे दिया गया है। मकान जो है बिल्कुल कंप्लीट है, रेडी टू मूव है, पूरे में पेंट हो चुका है, शॉवर जो बाथरूम है बाथरूम में भी टोटियां लगी हुई है, पूरा मकान बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। छत पे देख लीजिए काफी बढ़िया जो काफी खूबसूरत यहाँ पे जो है आपको फॉल सीलिंग मिल रही है। इस साइड में टीवी का कैबिनेट मिल रहा है, इसको दिखा दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए छोटी छोटी जो है लाइटें लगी हुई है, यहाँ पे ब्लू लगी हुई है, यहाँ पे पिंक कलर की लाइट लगी हुई है, इस वजह से जो है ये लुक जो है आपको काफी खूबसूरत लग रहा होगा। जब यहाँ पे एक एलईडी टीवी लग जाएगी दोस्तों, उसके बाद ये जगह जो है देखने लायक होगी, काफी अच्छी लगेगी। और यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है इसका डाइनिंग एरिया, ये आपको मिल रहा है डाइनिंग स्पेस। अगर आप डाइनिंग टेबल डालते हैं दोस्तों तो इस एरिया में डालेंगे, 6 सीटर की जो है बहुत आराम से यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे बैठ के जो है आप खाना खा सकते हैं। और इस साइड में जो है इसका आपको किचन मिल रहा है, ये आपको किचन मिल जाता है। सबसे पहले आप डाइनिंग एरिया की जो है छत देख लीजिए, पूरी छत पे जो है यहाँ पे फॉल सीलिंग बनी हुई है, फॉल सीलिंग भी जो है आप देख सकते हैं काफी फिनिशिंग से और काफी अच्छी फॉल सीलिंग यहाँ पे बनी हुई है और बिल्कुल नए डिजाइन के आपको देखने में लग रही होगी, ऐसी फॉल सीलिंग जो है आपने शायद ही कहीं देखी हो, काफी खूबसूरत लग रही है देखने में। और इस साइड में जो है आपको इसका किचन मिल रहा है, काफी खूबसूरत जो है किचन है और बिल्कुल ओपन किचन है, बिल्कुल ओपन किचन यहाँ पे आपको मिला जा रहा है, मॉड्यूलर किचन ये बना हुआ है, इसमें जो है यहाँ पे चिमनी भी लगी हुई है, चिमनी यहाँ पे पहले से लगा के जो है आपको दी जा रही है। किचन में जो है बास्केटें देख लेते हैं, ये देख लीजिए याली भी है इसमें, ये भी है, जो जो तरह की होती है सब तरह की जो है इसमें बास्केटें लगी हुई हैं, बिल्कुल कंप्लीट किचन जो है आपको यहाँ पे करके दिया जा रहा है और काफी खूबसूरत है। इस पे जो ये ग्रेनाइट लगा हुआ ये देख लीजिए काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। और यहाँ पे जो है आपको ये भी दिया गया सामान रखने के लिए, एक छोटा सा स्पेस बना के ये भी दिया जाता है आपको।
यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है, इसके पीछे जो जीना है यहाँ से भी वेंटिलेशन अगर आप खोल देंगे तो मिलता रहेगा। और वैसे जो चिमनी जो है यहाँ पे लगी हुई है, इसकी छत पे देख लीजिए, इसकी छत पे भी बेहतरीन एक फॉल्स सीलिंग आपको मिल जाती है। और दो बेडरूम आपको मिलना है, एक बेडरूम जो है आपको ये मिल जाता है, एक बेडरूम जो है आपको ये मिल जाता है। पहले हम इसी वाले बेडरूम में आ जाते हैं। बेडरूम का साइज दोस्तों काफी बड़ा है, 15 बाई 10 जो है आपको बेडरूम का साइज मिला जा रहा है, 15 बाई 10.5 जो है बेडरूम का साइज मिल रहा है। काफी बड़ा बेडरूम है, पूरे ही मकान में जो है एक जैसे टाइल्स लगे हुए हैं 2 बाई 2। छत पे देख लीजिए, छत पे बहुत बेहतरीन जो है ये फॉल सीलिंग जो है काफी अच्छी बनी हुई है, इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी है, आप आके देखेंगे तो काफी अच्छी लगेगी। काफी अच्छी जो है यहाँ पे आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, पूरे मकान में जो है पेंट हो चुका है। और यहाँ पे जो है आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो दी जाती है, और इस तरफ जो है ये आपको एक ओटीएस मिल जाता है। ये ओटीएस है, काफी बड़ा साइज है ओटीएस का दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा ओटीएस दिया है, बिल्कुल ओपन ओटीएस है। यहाँ पे जो है आपको एक वॉश बेसिन भी मिला जा रहा है, और इस साइड में जो है आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है। एक वॉशरूम देखा था आपको बाहर लॉन में मिल रहा था, एक वॉशरूम जो है आपको बेडरूम से अटैच नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। दोनों बेडरूम वाले जो है इस वॉशरूम को यूज कर सकते हैं, और पूरा कंप्लीट है जैसे बाहर आ रहा था। यहाँ पे शावर लगा है, यहाँ पे हैंड शावर है, पूरे में टोटी लगी हुई है, टाइल्स लगे हुए हैं, कमोड वाली सीट इसमें लगी, बिल्कुल कंप्लीट है दोस्तों। और एक बेडरूम जो है आपको ये मिल जाता है, हम लोग यहाँ बेडरूम में आए थे, इस मान ली इस ओटीएस से जो है दोनों बेडरूम में आप जा सकते हैं, दोनों बेडरूम से जो है इधर आ सकते हैं। एक बेडरूम जो है आपको ये मिल जाता है, एक बेडरूम ये है, इसका साइज भी दोस्तों काफी बढ़िया है। जो साइज आपने उसका देखा था वही सेम साइज जो है आपको इसका भी मिल जाता है। यहाँ पे जो है आपको वार्डरोब बना के दी जा रही है, देख लीजिए, ये जो है वुडेन की नहीं है, ये लोहे की है, जैसे बाहर रेडीमेड मिलती है वही वाली जो है इसके अंदर फिक्स कर दी गई है। देख सकते हो पूरी ऊपर तक, यहाँ से आगे निकाल दिया, आगे से पूरी ऊपर तक जो है यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे जो एक लाइट भी लगी हुई देख लीजिए, गोदरेज की है, काफी खूबसूरत फॉल सीलिंग इसके ऊपर भी बनी हुई है, इसके ऊपर भी आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है काफी अच्छी। और सबसे बड़ी बात, ये मकान जो है कॉर्नर का है, इस वजह से यहाँ पे जो है वेंटिलेशन के लिए एक छोटी सी जो है आपको यहाँ पे विंडो मिल जाती है, इससे क्या रहेगा वेंटिलेशन भी जो है यहाँ पे मिलता रहेगा। अब हम चलते हैं छत पे, इससे जब हम बाहर निकल के आते हैं तो इधर आते हैं इसके डाइनिंग एरिया में, ये आपको मिल जाता है इसका डाइनिंग एरिया। अब हम चलते हैं छत पे, ये जीने दिए हैं, जीने का साइज जो है लगभग आपको जो है 3.5 फीट का जीने का साइज मिल रहा है। इस पे जो है रेड कलर के ग्रेनाइट लगे हुए हैं, देख सकते हैं काफी खूबसूरत जो है यहाँ पे ग्रेनाइट लगे हैं। स्टील वाली जो है यहाँ पे आपको रेलिंग मिल जाती है, और रोशनी के लिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको विंडो भी मिल रही है, देखिए खुल भी जाती है ये विंडो मिली, इससे कह रहे कि वेंटिलेशन जो है आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ये आपको जो है ममटी मिल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जैसे सामान रखा है, आप भी अपने घर का एक्स्ट्रा सामान हो तो यहाँ पे रख सकते हैं। और ये है इसकी छत, इसमें टफन देख लीजिए दोस्तों कितने खूबसूरत लगे हैं, ये यहाँ पे जो है फ्रंट में टफन आपको मिल जाते हैं। और ये इसकी लोकेशन है, सामने से देख लीजिए चारों साइड में जो है मकान बने हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी पूरे मकान बने। और सामने जो आपको मिल जाती है 25 फीट की रोड, और कॉर्नर की जो रोड मिल रही है वो रोड है 22 फीट की। तो दोस्तों 1120 स्क्वायर फीट का 2 BHK का बहुत खूबसूरत लग्जरी मकान है, इसको जो रेट है वो है 62 लाख रुपए। 62 लाख में आपको ये मकान मिल जाएगा। विजिट करने के लिए नीचे नंबर दिया गया है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।